अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ यार इस वीडियो को सिर्फ लाइक दीजिए यार, और कुछ तो नहीं चाहिए ना मुझे, सिर्फ लाइक तो कर सकते हो ना, लाइक कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब अगर आप जो भी वीडियो अपलोड करते रहते हो हर टाइम, मतलब आप वीडियो डालते रहते हो यूट्यूब पर, मतलब तो आप उसको मतलब अच्छे कंटेंट, अच्छे डिस्क्रिप्शन, अच्छे टैग जो है वो नहीं देते, तो आपकी वीडियो जो है मतलब वायरल नहीं होती, रैंक नहीं होती। तो यही वजह है कि आप ना इसको मतलब अच्छे कंटेंट देते हो, ना डिस्क्रिप्शन देते हो, ना जो है उसको अच्छे अच्छे टैग्स देते हो। तो अपने टैग्स कहाँ से लेना है, जैसे कि आप न्यू यूट्यूबर हो, जैसे कि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो फिर मैंने कहाँ से लेना है, मतलब जो टैग्स होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो कहाँ से लाना है मैंने, और मैंने कैसे जो है अपने वीडियो में पोस्ट करना है, ऐड करना है। तो चले दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू रखें, मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, अपने क्या करना है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो 2-3 MB का है तकरीबन, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है और उसका काम जो है वो बहुत आला काम है, उसका मतलब बहुत मुफीद एप्लीकेशन है, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। टैग फाइंड प्रो, इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। देखो, अगर कुछ यहाँ पे यूट्यूब नहीं है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ स्टेप जो है वो आए हैं। आपने यूट्यूब पे क्लिक करना है। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो है लैंग्वेज जो है होता है, मतलब ज़बान आपने इंग्लिश करना है, और बहुत सारे जो है वो उर्दू है, और बहुत सारे जो है लैंग्वेज होते हैं, लेकिन आपने इंग्लिश को क्लिक करना है। और एक और चीज़ आपने क्या करना है, मतलब यूट्यूब कर ले और इंग्लिश कर ले, यहाँ पे आपने सर्च करना है। जैसे कि आपने कोई भी वीडियो मतलब बनाई है तो उसके लिए आपने कैसे मतलब टैग्स ढूंढने हैं, डिस्क्रिप्शन ढूंढना है। तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मैं आपको प्रूफ के साथ समझा देता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मतलब क्रोम ब्राउज़र से, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि वो वीडियो जो है ना, वो जेज़ फ्री इंटरनेट के बारे में थी ना, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या टाइप करना है जो मुझे इस यहाँ से अच्छे अच्छे मतलब टैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह कंटेंट मिल जाए। तो जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो मतलब अपलोड की है चैनल पर जो जेज़ फ्री इंटरनेट के बारे में है। अभी मैं जेज़ फ्री इंटरनेट, देखो मैंने जेज़ फ्री इंटरनेट इसके बाद सर्च पे क्लिक की। सर्च पे क्लिक करने के बाद 2-3 सेकंड आपने वेट करना है। आपके सामने मतलब बहुत सारे टैग्स जो वायरल टैग होते हैं, जो यूनिक कंटेंट होते हैं, वो आपके सामने आ ही जाएंगे। देखो लोडिंग हो रही है, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। आप इस वजह से आप अपने वीडियो पर अच्छे खासे व्यू ला सकते हो। सर्च फॉर जेज़ फ्री इंटरनेट फाउंड 145 यूनिक कीवर्ड्स, देखो 145 यूनिक कीवर्ड्स उसने दिए हैं। मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से सारा का सारा कॉपी करूं, जैसे कि देखो अगर मैं इस जो कीबोर्ड के साथ जो एक ऑप्शन है जो खाली है, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सारे के सारे जो है उस पर क्लिक हो जाएगा, मतलब सारे के सारे अलमर्क हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ जो एक कोने में कॉपी 100 मतलब 45 लिखा है, इस पर क्लिक करूँ तो देखो 145 कीबोर्ड कॉपीड, मतलब एक कॉपी हो गई है। आपने क्या करना है, इसको अभी क्रोम ब्राउज़र में जाके मैंने जो अभी वीडियो जो है अपलोड की है जेज़ फ्री इंटरनेट के बारे में, मैं उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में ये लगा देता हूँ, और टैग के लिए भी ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो मैं डिस्क्रिप्शन, वैसे मैं सिर्फ इसको वैसे ही लिख देता हूँ। देखो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके,
इसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ से आपने कुछ टैग्स अच्छे अच्छे 5, 6, 8 टैग्स जो है वो भी लाना है, और आपने यहाँ पे टैग्स के खाने में उसने वहाँ यहाँ से पेस्ट करना है, अपने वहाँ से मतलब लाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ताकि आपकी वीडियो जो है उस पर खास अच्छे खासे व्यू आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।